खंडवा लोकसभा सहित 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में टिकट दावेदारों सहित तमाम नेता और पदाधिकारी पहुंचे। कमलनाथ ने बैठक को संबोधित करते हुए दो टूक कहा कि हवाबाजी की राजनीति अब नहीं चलेगी। बड़े नेताओं की मौजूदगी में बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हवाबाज नेताओं के कारण कई सीटें हारी जाती है। ये संदेश सभी के लिए है। जब तक मंडल से लेकर सेक्टर को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। बैठक की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जैसे उन्होंने कार्यकर्ताओं के बल पर दमोह उपचुनाव जीता, वही तरीका वो इस उपचुनाव में अपनाएंगे। साथ ही कहा कि इस चुनाव में कमल मुरझा जाएगा, क्योंकि कमल पवित्र भावनाओं से लगा हुआ नहीं है। आज विधायक दल की बैठक नहीं थी, आज एक लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनावों की बैठक थी, जिसमें आदरणीय कमलनाथ जी के साथ साथ हमारे प्रभारी महासचिव मध्य प्रदेश के मुकुल वासनिक जी आए थे और चारों हमारे राष्ट्रीय सचिव आए थे। उन 3 विधानसभा और एक लोकसभा में गहरा मंथन करके निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि हमें किस पैटर्न पे चुनाव लड़ना। दमोह चुनाव हम जीते हैं तो दमोह पैटर्न, जहाँ पे बड़े नेताओं के भरोसे नहीं, नीचे के कार्यकर्ता के भरोसे चुनाव लड़ा गया था, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और मंडलम कमेटी, इन लोगों की एक कमेटी बनी थी और इनके माध्यम से चुनाव लड़ा था, वही पैटर्न हम यहाँ पे अपनाने जा रहे हैं। 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। अब देखना है कि उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा की होने वाली भिड़ंत में कौन बाजी मारता है। भोपाल से प्रदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। प्रदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।